हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आपको एग्जामिनेशन से पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स फॉर द एग्जामिनेशन, राइट? सो ये नोटिस है जो कि मैंने तैयार करा है, जहाँ पे मैं सबको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाए। तो यहाँ पे जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो बहुत सारी चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे एक भी मिस्टेक होगी तो हो सकता है आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, राइट? सबसे पहला है कि जब भी आप अपने टेस्ट सेंटर में विजिट करो तो आप अपने साथ इग्नू का जो हॉल टिकट है, जिसे एडमिट कार्ड हम कहते हैं, वो और इग्नू का आईडी कार्ड पक्का लेकर के जाना। जैसे कि हमारे टाइम पे इशू हुआ था कि इग्नू ने आईडी कार्ड जो है मस्ट कर दिया था। आईडी कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, प्लस आरसी के पास से आपके पास साइन किया हुआ आरसी के पास वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। इग्नू का आईडी कार्ड आपको चाहिए होता है, तो उस टाइम पे आरसी की तरफ से ना वो प्री साइंड नहीं आता था। अभी जैसे आप आईडी कार्ड निकालोगे तो उसमें ऑलरेडी साइन किया हुआ, उस टाइम पे आता ही नहीं था, राइट? तो ये बहुत जरूरी है कि आप इग्नू का आईडी कार्ड लेकर लेकर के जाओ साथ में। साथ ही साथ अपना हॉल टिकट लेकर के जाना बिल्कुल मत भूलना। आईडी कार्ड के अलावा कोई भी एक वोटर कार्ड, आधार कार्ड टाइप का कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है, जो फोटो आईडी प्रूफ है, आप उसको अपने साथ लेकर के जा सकते हो। ये तीन चीजें आपको मस्ट आपको एग्जामिनेशन में लेकर के जानी है। अगर आप नहीं लेकर के जाओगे तो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में बैठने से ही मना कर दिया जाए, ठीक है? तो इग्नू का आईडी कार्ड मस्ट है, हॉल टिकट तो इम्पोर्टेंट है ही, ताकि पता चले कि आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, इस डेट पे आपका एग्जाम पड़ा है, तो हॉल टिकट बहुत इम्पोर्टेंट है। हॉल टिकट का ऑलरेडी जो है अनाउंस हो गई है, हॉल टिकट आ गया है। वेबसाइट पे आपको जाकर के हॉल टिकट डाउनलोड करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया भी है कि हॉल टिकट कैसे डाउनलोड किया जाता है, ठीक है? नहीं तो आप सिंपली हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ इग्नू की जो एक लिंक है, इग्नू एक्टिविटी बोल करके, है ना, वहाँ पे आपको जाकर के मिल जाएगा वहाँ पे लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है? तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखना है। दूसरा है कि आपको COVID-19 की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करने हैं। ऐसा ना हो कि आपकी तबियत खराब हो जाए और बाकी सारे पेपर्स आप दे ही ना पाओ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के जो लोग बैठे हैं उनका ख्याल रखें। मास्क पहनना है, वहां पे जो भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी उसको एक तरीके से पूरा करना है। हैंड सैनिटाइजर लेकर के जाना है। जितने भी कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सारी चीजों को आपको अपने फॉलो करना है, राइट? सो दिस इज सेकंड टॉपिक दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। थर्ड इज, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करके लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि अगर उनको पता चला तो आपका वो कैंसिल कर सकते हैं एग्जामिनेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना लेकर के जाएं। अगर आप लेकर के जाते भी हैं तो एग्जामिनेशन से पहले आप उसे स्विच ऑफ कर दें। अगर आपके पास फोन है तो उसे स्विच ऑफ कर दें, करके आप अपने बैग में रख सकते हैं, या फिर जो भी आपका एग्जामिनर होगा आप उनको उसको जमा करवा सकते हैं उनके पास, ठीक है? ये फैसिलिटी भी वहां पे होती है, बट समटाइम्स हो सकता है कि वो ना लेना चाहे आपके डिवाइस को, तो इन दैट केस यू विल हैव टू कीप योर डिवाइस इन योर बैग्स, राइट? जो भी आपके बैग होंगे वहां पे आपको रखना होगा। फोर्थ है कि लास्ट मिनट रश को प्रिवेंट करने के लिए कम से कम 45 मिनट पहले आप पहुंचो, है ना? 45 नहीं, कम से कम 15 मिनट भी पहले पहुंच जाओगे ना तो बहुत है, लेकिन पहले पहुंचना है। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो आप डायरेक्ट एकदम 10 बजे ही पहुंचोगे। आप कोशिश करो 9:30 तक कम से कम पहुंच जाओ, या हार्डली 9:45 तक, उससे ज्यादा लेट बिल्कुल मत करना, नहीं तो लास्ट टाइम रश हो जाता है, क्वेश्चन आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, बहुत दिक्कत हो जाती है, हड़बड़ी में आपको सारा काम करना पड़ता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंचे वहां पे, ताकि आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर पाए कि भाई मैं एग्जाम दे रहा हूँ, राइट? दूसरा है, पांचवा पॉइंट है, ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन पॉसिबल। 5 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 × 5, टोटल 5 क्वेश्चंस आपके होंगे। अब ये जो 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोशिश करना कि इन 5ों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ना नहीं है, भले ही आपको नहीं आता हो, जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में पता है आपको उस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है और उसके बारे में लिखना है, जो कुछ भी आपको पता है, है ना? इग्नू में अगर आपको मार्क्स उठाने हैं तो आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते कि चलो छोड़ देते हैं, या इसको ये तो आता ही नहीं है तो छोड़ ही देते हैं। जो भी आपको आइडिया होगा आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और लिखो वहां पे, ठीक है ना? आपको बस पेजेस भरने हैं जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। किसी के पास टाइम नहीं होता ना कि 7-8 पेजेस जो है वो लोग कॉन्टिन्यूस पढ़े, तो जरूरी है कि आप लिखें बस, है ना? ट्राई टू राइट वॉट एवर यू नो अबाउट द टॉपिक। यही मैंने बोला है अभी कि आप वो सारी चीजें लिखें जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में पता है। जरूरी नहीं कि जो पूछ रहा है वही आप लिखो, जो भी आपको पता है उस टॉपिक के बारे में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर को एटलीस्ट ये तो लगेगा कि बंदे ने पढ़ाई की है, बंदे को कुछ आता पता तो है, राइट?
तो ये 6 पॉइंट्स है जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं। सातवें पॉइंट पे मैं बोलना चाहूंगा ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर एग्जामिनेशन। आई होप कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। जो लोग नए सेशन में एडमिशन कराने वाले हैं सेकंड ईयर में या करवा चुके होंगे ऑलरेडी, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो हमसे बाय कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं जहाँ पे आपको असाइनमेंट बाय करने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नोट्स आप चाहें तो बाय कर सकते हैं विद 40% डिस्काउंट। 24/7 जो सर्विस है वो तो हमारी तरफ से आपको मिलता ही है। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जहाँ पे मैंने डूज एंड डोंट्स के बारे में आपको बताया है। अगर आपको पसंद आया है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी जानकारी ये पहुंच पाए उनको एग्जामिनेशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है ना, बातचीत मत करना किसी के साथ। मैंने देखा है एग्जामिनेशन में लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, टाइम पास करते हैं, कोई फायदा नहीं होता उससे। खुद से आंसर लिखो, अच्छे तरीके से लिखो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।